नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी को उसके सहायक के साथ 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी को उसके सहायक के साथ 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक सादा विहार कॉलोनी स्थित नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के जेडओ मनीष कन्नौजिया ने प्लॉट कारोबारी अनूप कुशवाहा से उनके अवैध निर्माण को तोड़ने की धमकी देकर 3 लाख की रिश्वत मांगी थी। सौदा 2 लाख रुपए में तय हुआ था, जिसकी पहली किस्त 50,000 रुपए जैसे ही अनूप कुशवाहा ने क्षेत्रीय अधिकारी मनीष कन्नौजिया को दिए, ईओडब्ल्यू ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जेडो मनीष के सहायक ऑफिसर के टाइम कीपर इंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। आज नगर निगम कार्यालय ग्वालियर में एक ट्रैप की कार्रवाई की गई है, जिसमें जोनल ऑफिसर है मनीष कन्नौजिया और उनके एक सहायक हैं टाइम कीपर इंदर सिंह, इन लोगों को रिश्वत की 50,000 रुपये की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एक आवेदक हैं इसमें अपना अनूप कुशवाहा, वो प्लॉटिंग का काम करते हैं। उन्होंने कुछ प्लॉट्स वगैरह की कटिंग की थी, तो उसमें कुछ मकान बने थे और कुछ नहीं बने थे अभी। तो जो मकान बने थे उनको तोड़ने के नाम पर ये 3 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे। 2 लाख रुपये में इनका सौदा तय हुआ था, उसकी पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये लेते हुए इनके ऑफिस में ही अभी जस्ट अरेस्ट किया गया है। ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के गांव छपरा के पूर्व सरपंच विजय सिंह जाट की सोते समय गांव के ही कमल सिंह ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के गांव छपरा के पूर्व सरपंच विजय सिंह जाट की सोते समय गांव के ही कमल सिंह ने कुल्हाड़ी से बार कर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजन पूर्व सरपंच को लेकर जयरोग अस्पताल में इलाज के लिए आए, जहां रात को उनकी मौत हो गई। मृतक के भतीजे ने बताया कि रात को उसके चाचा विजय सिंह घर के बाहर सो रहे थे, उनके पास में ही उनके ताऊ और बड़े भाई भी सो रहे थे। रात करीब 1 बजे गाँव में रहने वाले कमल सिंह आया और उसने कुल्हाड़ी से चाचा विजय सिंह पर एक के बाद एक दो बार कर दिए। चाचा के चिल्लाने पर ताऊ की नींद खुल गई और वो चिल्लाए तो कमल सिंह भाग गया। हम लोग घायल अवस्था में उन्हें ग्वालियर जयरोग अस्पताल लेकर आए, जहां उन्होंने देर रात करीब 2:45 बजे दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने दावी देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उधर पुलिस का कहना है कि हत्या किन कारणों के चलते हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ग्वालियर जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में आज जमकर किसानों और व्यापारियों के बीच में विवाद हो गया। किसान इस बात से नाराज थे कि जो समर्थन मूल्य सरकार ने सरसों का निर्धारित किया है, वे उन्हें मंजूर नहीं है। ग्वालियर जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में आज जमकर किसानों और व्यापारियों के बीच में विवाद हो गया। किसान इस बात से नाराज थे कि जो समर्थन मूल्य सरकार ने सरसों का निर्धारित किया है, उससे 1500 रुपये कम में व्यापारी उनकी सरसों को खरीद रहे थे, जिससे वे नाराज हो गए, जिसके कारण मंडी में मौजूद करीब 1 दर्जन से ज़्यादा उन्होंने व्यापारियों के तौल कांटों को तोड़ दिया गया। आनन फनन में भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं और मंडी में हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल तक सरसों 5,000 से 5,500 रुपये में खरीदी जा रही थी, लेकिन सीधे 1,500 रुपये कम में खरीदारी हो रही है। व्यापारी 3900 और 4,000 रुपये कीमत दे रहे हैं, जबकि सरसों का समर्थन मूल्य 4,650 रुपये है। ऐसे में जब व्यापारियों ने किसानों की सरसों खरीदने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने जमकर मंडी में हंगामा कर दिया, जिससे किसानों ने इस बात को मंडी सचिव को भी बताया था, लेकिन मंडी सचिव ने इस बात पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिससे किसानों ने साफ कह दिया कि वे अपनी सरसों का वापस लेकर जब तक नहीं जाएंगे, जब तक उन्हें समर्थन मूल्य की राशि के हिसाब से उनकी राशि खरीदी नहीं जाती। वह मंडी प्रबंधन का कहना है कि किसानों को समझाने का काम किया जा रहा है, वहीं मंडी में रेट घटती और बढ़ती रहती है, जिसके कारण हंगामे की स्थिति पैदा हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक पाठक है और ग्राम बिजौली का मैं कृषक हूँ। समस्या ये है कि अभी तक जो सरसों 5,500 जा रही थी, 5,300 जा रही थी, उसकी आज एकदम जो है 4,400 और 4,100 4,200 की बोरी तोड़ने लगे। 1,500 रुपये डायरेक्ट कम कर दे, क्या लूट का राज है? और इसके अलावा 300 ग्राम एक बोरी पे ज़्यादा लेते हैं और 5 किलो दाने कहते हैं उनको, दाने, और 5 किलो वो निकाल लेती है। क्या मतलब है जी, 5 किलो 300 रुपए की होती है सर? किसान एक कट्टे क्यों भैया, क्या हो रहा है? कहीं एक कट्टा हो तो 5 किलो लेना है,
और एक ट्रॉली हो तो 5 किलो लेना है। हैं? कब से होता रहा है? ये तो हमेशा से होता है, ये तो हमेशा होता है। किसान शांत है, किसान कभी बोलता नहीं है। आज मजबूरी है वही किसान की कि 1500 रुपये एकदम कम कर दिए, तब किसान को बोलना पड़ा। ये लूट का राज किसान नहीं चलने देगा। अब किसान जाग चुका है, अगर नहीं इतने पर रुकते हैं तो किसान आंदोलन तो होगा, आंदोलन करेगा, चक्के जाम करेगा, रोडें बंद करेगा, बाजार बंद करेगा और किसान सड़कों पे उतरेगा। जब सिम कर रहे हैं तो किसान भी करेगा। गलत है ये बात है। वेद प्रकाश पाठक, ग्राम उटीला। क्या क्या हुआ, क्या समस्या? 5237 जो है गाना 4400 पे बोली एकदम, इतना कहीं होता है क्या? 4200 एकदम बोली है। सरसों की सबसे मेन समस्या सरसों की है। 5354 के भाव बिकी आज, तो ऐसे थोड़ी जो है गाना, ऐसे किसान थोड़ी देगा, कहाँ से देगा किसान? बहन जो सब जानते आज लगाता है, और ये जब किसान की बारी आती है तब ये स्थिति है। और वैसे जो है तुम्हारा जो है गाना हो सब 7200 रुपये, सरसों 7500 रुपये में खरीदी हुई है। तेल कम है, और इसकी वजह जो है क्या है? किसान क्या मरेगा, क्या करेगा? आगे क्या करेगा देखेंगे, उसकी हड़ताल करेंगे आगे। SDM अनुराग निगवाल सड़कों पर उतरे और मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। दतिया के जिला कलेक्टर संजय कुमार के दिशा निर्देशन में जिले भर में रोको टोको अभियान चलाया गया। दतिया SDM अनुराग निगवाल सड़कों पर उतरे और मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। दतिया जिला कलेक्टर संजय कुमार के दिशा निर्देशन में जिले भर में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सेवरा SDM अनुराग निगवाल ने जनता से अपील की और कोरोना के प्रति जागरूक किया कि आपकी एक गलती हमें बीती बस में ना ले जाए, इसलिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें। रोको टोको अभियान के तहत उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई एवं लोगों को समझाया भी गया। इस दौरान तहसीलदार सहीर खान, थाना प्रभारी नीरज एवं नायब तहसीलदार नरेंद्र यादव के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। पिछले एक हफ्ते से जिला अस्पताल में कोविड के टेस्टों में सतत हम लोगों के 3 से 5 मरीज आ रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि पिछले एक साल सभी का कैसा गया, मुसीबतों में गुजरा हम सभी लोग जानते हैं। कृपया आप अपने बच्चों, अपने माता पिता, बुजुर्गों की सेहत को ध्यान रखते हुए मास्क का प्रयोग एक बार फिर से पूरी शिद्दत से चालू कर दें। पिछले एक हफ्ता से थाना बड़ौनी पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 3 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। थाना बड़ौनी पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 3 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं SDOP उपेंद्र दीक्षित के नेतृत्व में थाना बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा द्वारा यह कार्रवाई की गई। दतिया से रजनी लिटोरिया की यह खास खबर। बामा न्यू मार्केट स्थित मनीष गारमेंट की कपड़ों की दुकान से शुक्रवार की प्रातः 9:30 बजे 2 अज्ञात बाइक सवार ठगे द्वारा दुकानदारों को बातों में उलझाकर 13,000 रुपये की ठगी कर ले गए, जिसकी दुकानदार द्वारा बामर पुलिस थाने में एक आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई है। न्यू मार्केट स्थित मनीष कपड़ा व्यवसायी ने बताया कि शुक्रवार की प्रातः 9:30 बजे उसकी दुकान पर अपाची गाड़ी से 2 अज्ञात ठग सामान खरीदने के लिए आए। सामान खरीदकर उन्होंने दुकानदार को 2000 का नोट दिया। दुकानदार ने 2000 लेकर गले से पैसे निकालकर उसे देने चाहे, तब तक एक दूसरे ठग ने दुकान से एक अन्य सामान लाने को कहा, तो दुकानदार जैसे ही सामान लेने अंदर गया तो ठगों द्वारा काउंटर में रखे 13,000 लेकर चंपत हो गए। बाजार में काफ़ी खोजबीन करने के बाद उनका कहीं पता नहीं चला, तो दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में एक आवेदन देकर करा दी है। पुलिस का कहना है कि आवेदन की जांच की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। मनीष मनीष बताओ क्या घटना हुई? वो लोग चड्डे लेने आए थे, चड्डे देखे थे, फिर बोले थे सॉक्स भी दिखाओ। सॉक्स दिखाए थे, 250 रुपये हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि 200 रुपये काट ले। तो वो मैंने बोला कि 250 कटे अंकल, आपको लेना हो तो मेरे को तलाश आना। उन्होंने 2000 का नोट दिया था मेरे को, 2000 के मैं
वो कह रहे थे मेरे को दे के आने कहीं पे और सस्ते मिल रहे थे उधर, तो वो 12 रुपये दे रहे थे, 2000 का 12 रुपये ले रहे थे, 2000 का दे गए, फिर मैं उसको चेंज करा था 2000 रुपये को, और उसमें 11000 रुपये रखे थे, 11000 रुपये अगर ये शर्ट भी दिखा रहे तो मैंने जल्दी जल्दी में इधर पैसे रख दिए थे। 11000 रुपये कहाँ रखे थे आपके? इधर उसमें रखे थे, लॉकर में, गले में रखे थे। उन्होंने निकाल के बाहर। कितने कितने लोग थे वो? दो। कहाँ से आए थे? अपाची बाइक। कितने बजे की बात है? 9:50 की। फिर वो भाग गए पीछे लेकर के? क्या पैसे लेके भाग गए? कपड़े भी ले गए और पैसे भी लेके भाग गए। कपड़े और पैसे दोनों लेके। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।